नमस्कार दोस्तों, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स समझ में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है उसके जो लक्षण होते हैं वह 1 से 2 महीने के बाद ही दिखाने शुरू होते हैं। किसी भी महिला के शरीर के जो भी सारे उसमें परिवर्तन होते हैं प्रेगनेंसी के बाद। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे ही हम इस वीडियो में छोटे छोटे कारण जानेंगे जिसकी वजह से आप यह जान सकते हैं कि कोई महिला प्रेग्नेंट है या नहीं। दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण है पीरियड्स ना आना। प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण पीरियड्स से पता चल सकते हैं। गर्भ ठहरने के बाद महिलाओं को पीरियड आना रुक जाता है। अगर आपको प्रेग्नेंट होने की संभावना लग रही है और आपको पीरियड भी नहीं हो रहे हैं तो ये प्रेगनेंसी के संकेत हो सकते हैं। दोस्तों, कुछ महिलाओं में शुरू के 2 हफ्ते में हल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है, पर सिर्फ माहवारी ना आने के आधार पर महिला के गर्भवती होने की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीरियड्स मिस होने के और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। जी मचलाना और उल्टी आना। पीरियड्स बंद होने के बाद 2 हफ्ते में उल्टी आने और जी मचलाने जैसी समस्या होने लगती है तो इस आधार पर भी गर्भ धारण करने का पता चल सकता है। वहीं दोस्तों, पेट में गैस बनना और सीने में जलन होने जैसी प्रॉब्लम होती है। प्रेग्नेंट महिलाओं के शरीर में हो रहे बदलाव का असर पाचन क्रिया पर भी पड़ता है, जिससे पेट में गैस की शिकायत अधिक होती है और पेट में गैस बनने की समस्या 1 वीक से 9 मंथ तक हो सकती है। पाचन क्रिया में बदलाव आने से सीने में जलन होना भी आम बात होती है। ऐसे में अचानक छाती में जलन सी महसूस हो सकती है। नहीं दोस्तों, मुंह का स्वाद बदलना। प्रेगनेंसी के पहले महीने मुंह का टेस्ट कड़वा हो जाता है। ऐसे में कुछ भी खाते पीते हैं तो उसका जायका नहीं मिलता है, सिर्फ खट्टी चीज़ों का ही स्वाद हम पहचान पाते हैं। कब्ज की शिकायत भी हो सकती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में काफ़ी सारे हार्मोन्स होते हैं, जो उनमें काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं जिसके कारण पाचन शक्ति कमज़ोर होने लगती है और ऐसी स्थिति में महिला को कई बार कब्ज होना और ठीक से पेट ना साफ होने जैसी समस्या भी हो सकती है। वहीं दोस्तों, जो महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं उन्हें पेशाब अधिक आता है। गर्भावस्था के दौरान शरीर में चल रहे हार्मोन्स में बदलाव की वजह से किडनी में जो ब्लड का फ्लो होता है वह तेज हो जाता है और मूत्राशय में पेशाब जल्दी भर जाता है, जिसके कारण पेशाब बार बार होने की समस्या आती है। बार बार पेशाब आना प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में से एक है और जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाता है यह परेशानी थोड़ा और ज़्यादा बढ़ने लगती है। गर्भावस्था के बाद स्तनों के आकार में बदलाव भी गर्भावस्था के प्रारंभिक लक्षण हैं। प्रेगनेंसी के फर्स्ट 2 वीक में ब्रेस्ट में हल्की सूजन आने लगती है, जिससे उनके आकार में काफ़ी फर्क नज़र आता है। स्तन मुलायम और वह सूजन देखने पर प्रेगनेंसी टेस्ट से इसकी पुष्टि आप कर सकते हैं। सिर में दर्द रहना। शुरू के कुछ दिन सिर में दर्द रहना भी गर्भवती होने के संकेत हो सकते हैं। सिर में दर्द की समस्या हार्मोन्स में आए बदलाव के कारण हो सकती है। साथ ही साथ स्वभाव में भी काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। गर्भावस्था में शुरुआती लक्षण दिखने के अलावा जल्दी गुस्सा आना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना, तनाव में रहना और ज़्यादा थकान होना यह आम बात होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके।